नमस्कार न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। आज हम आपको फिर से एयरपोर्ट का न्यूज दिखाते हैं, जैसा कल हमने आपको दिखाया था और इससे पहले भी हमने आपको जो एयरपोर्ट का न्यूज दिखाया था कि कैसे हमारे जितने कैब ड्राइवर्स हैं, जितने ट्रैवल एजेंट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, काफी परेशान है। सबसे पहली बात, अंडमान में लोग काफी अनएम्प्लॉयड है, लोग काफी परेशान है। एक एक पाए जोड़कर लोग जो है ट्रेवल्स के लिए जो है गाड़ी खरीदते, खरीदने के बाद जो है उनके साथ ऐसा कुछ होता है अंडमान में। हमने आपको एक न्यूज भी दिखाया और उसी का फॉलोअप हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो है हमारे सांसद श्री विष्णुपद राय जी जो है एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट जाकर जितने भी हमारे ड्राइवर भाई है उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद ड्राइवर भाइयों का जो भी समस्या था, उनका सबसे बड़ा समस्या यह है कि वहां पर एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वहां पर प्रीपेड का, जी हां, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वहां पर किसी को जो है किसी प्राइवेट कंपनी को जो है प्रीपेड का टेंडर दिया गया, जिसके कारण वहां पर हमारे जितने भी भाई है उन्हें जो है प्रीपेड का गाड़ी, प्रीपेड का जो है गेस्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। वहां पर जो है दूसरों को जिसे टेंडर दिया गया है उनके गाड़ी वहां पर खड़े रहती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर जो है एमपी साहब ने जो है ड्राइवर भाई से बात की और डायरेक्टर से बात की। पार्किंग के गाड़ी है वहां पर और वो क्लियरली हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। तो जितने भी हमारे भाई है वो काफी परेशान थे, क्योंकि देखिए एक तो ऑफ सीजन है, काम बंद है। सबसे पहला एयरपोर्ट का जो फेयर है, पार्किंग का फेयर, वो बढ़ा दिया गया है। बाहर के कुछ लोग जो है टेंडर लेते हैं और उसके बाद जो है हम ही लोकल्स को जो है भला बुरा कहते हैं। जैसे हमने वीडियो में भी दिखाया था, एक बंदे का कहना था लोकल है तो क्या भगवान है। तो इन सभी बातों को लेकर जो एमपी साहब वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो उन्होंने जो है जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर भाई है उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। उसके बाद जो उन्होंने डायरेक्टर से भी बात की और डायरेक्टर को भी काफी कुछ कहा। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि एमपी साहब ने ड्राइवर भाइयों से बात की और काफी लोग जो है भावुक भी हो गए थे, क्योंकि देखिए उनका घर का सवाल है ये, पाए पाए जोड़कर वो लोग गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ यहां पर होता है। एक तो टूरिज्म जो है पहले जितना नहीं रहा, अभी काफी जो है डाउन हो चुके हैं, डे बाय डे जो है डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर एमपी साहब गए और उन्होंने क्या बात की और उसके बाद क्या हुआ, देखिए आप ये वीडियो में। और एक बात हम आपको बता दें कि इसका जो भी अपडेट्स होगा सबसे पहले न्यूज अब तक द्वारा हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार भाई, विष्णु दादा आया, रुकाया गाड़ी को, रुकाया, अभी पुलिस वाला वीडियो ले रहा है, हम लोग सारे ड्राइवर लोग भी साथ में है। ये देखिए विष्णु दादा है, कम से कम हमारा सपोर्ट कर रहा है, आया है दादा, आया हमारे बीच में। ये दो गाड़ी है, सुबह से खड़ा है, उसके लिए बताया है। सुबह से आगे गाड़ी यहाँ खड़ा रहता है, अंदर में बैच लगा के काम करते हैं हम लोग। जैसा गाड़ी पिकअप करके यहाँ लेके आ रखे, दो मिनट में खड़ा करने देता है, तुरंत जो डायरेक्टर साहब वहाँ से फोन करके पहुंचे, सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी को बेच के लॉक लगा देता है। अंदर दो स्टाफ रखता, अंदर जो स्टाफ बेच के इधर में लॉक लगा देता है, 500 का फाइन भी मारना पड़ता है। घंटा खर रहेगा, लेट है, जमरे में नहीं आया, सुन ले सुन ले, घंटा खर रहेगा जी सर। हम लोग 3 मिनट के ऊपर खड़ा रहेगा तो लॉक लगा देता है, फिर 500 रुपए फाइन मार देते गाड़ी को। शुभम उसका लोन बांधते, ये सारा कुछ काम करते हैं, इसके वजह से हमारा क्या नहीं पता। अभी इसके बाद बोलते क्या हुआ, क्या करता है, यहाँ कैब लेके दिया, क्या करता है ये कैब लेके करता है। और यहाँ पर किसी को यहाँ पर देखिए वहाँ काउंटर लगा दिया है, वहाँ पर कोई हमारा लड़का लोग खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए सारा चीज यहाँ पर वो लोग इलीगली किया है, क्योंकि इनको खाली काउंटर अंदर रखना चाहिए, अंदर में आदमी वहाँ खड़ा होके अंदर कस्टमर के साथ ब्रीफिंग कर रहा है, मतलब आप आइए हमारे पास गाड़ी है, आप आइए हमारे पास गाड़ी है, ऐसा अंदर में ब्रीफिंग कर रहा है।
हम लोग यहाँ पर जो यूथ है ये क्या करेगा फिर, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, नो फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा काम तो दिखाने के लिए नहीं करता नहीं सर, देखिए ना सर काउंटर लगा दिया, वो नहीं है लोकल ड्राइवर है, कोई टूरिस्ट बुक किया, कंपनी बुक किया, कोई कार्ड दिखा सकता है? नहीं कार्ड दिखा सकता है, लेकिन जगह थोड़ा शॉर्ट हो गया पूरा, यहाँ पर जगह यहाँ पे खड़ा करने नहीं देता है, दिखा सकता है, मना करता सलोम भैया, प्रीपेड काउंटर में वहाँ नहीं लगा सकता, पहले मना करा, मना करता है, ऊपर से इतना बड़ा कार्ड आप लोग नहीं लेके आना, छोटा कार्ड लेके आना, तो बहुत छोटा छोटा, उसका भी ट्रेवल्स वाला को भी मालूम है सर, आप ये कम से कम डायरेक्टर को बात करके ये वाला कम से कम क्या बात है, आप इसे खड़ा किस लिए आप बोल दिया फ्लाइट पर जरिए जाएगा जी सर, ठीक है सर, हम लोग इतना साल से गाड़ी चला रहा है लेकिन ये इतना दिक्कत कुछ नहीं है सर, 35 साल हो गया यार, ये एयरपोर्ट हो गया, 35 साल हो गया, इतना साल हो गया, सर अमीर आदमी तो कहीं से भी पैसा कमाएगा, गरीब आदमी देखिए, हम भी चेयरमैन है कमेटी का, हम चेयरमैन है कमेटी का सर, गरीब को मारकर नहीं बनाया, सुनिए नाम सुनकर क्यों दिया, देना था ब्रिटिश का नाम, ब्रिटिश नाम देना था, ब्रिटिश राज नहीं है, भारतवर्ष राज है, भारतवर्ष राज है, भूखा मांगेगा आपके वजह से, डेढ़ महीना हो गया सर, डेढ़ महीना से कोई काम नहीं, आइलैंड में हम लोग को कोई नहीं चाहिए, कोई उम्र नहीं चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए दादा, हम लोग कुछ नहीं बनता, आधा टाइम दो मिनट आइलैंड रहता है, बाहर का आदमी कमा के जाता है, हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग रेट कैसे बढ़ाएंगे, जो टेंडर है बाहर का आदमी कमा के जा रहा है, गवर्नमेंट का लोन लेके मनमर्जी चलता है, अंदर जाके अंदर जाके बाहर का बनाएगा, नंबर वन ये आदमी खड़ा है घंटा भर, हमारे गाड़ी खड़ी मिनट क्यों गाड़ी, इस कंपनी गाड़ी खड़ा था पेट्रोल इंडिया में, घंटा भर खड़ा है, अलाउड है क्या, बोलिए हमारा गाड़ी जो है, बोलो 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 ना, इनका 3 मिनट क्यों है, इनका 3 मिनट है, इनका कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, घंटा भर जो नहीं बोलिए 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 बोलिए, पहली चीज तो देखिए एयरपोर्ट के ऊपर ना तो गैदरिंग अलाउड है ना, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर अगर बात करनी बैठ के बात कर सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो वट एवर वी आर डूइंग, बातें नहीं कर सकते सर, जो पैसेंजर मूवमेंट है कुछ नहीं, यहाँ एक बार बातें नहीं कर सकते, हमारी एक्शन यहाँ की रेपुटेशन डाउन कर रहा है, कुछ नहीं हमारा पेट में लात मार दिया आप, मुझे बोल सर पेट में लात मारा, हम लोग बाल बच्चा कैसे चलेगा सर, हम लोग गाड़ी लोन में है, हम लोग सारा गाड़ी लोन में है, अंडमान टूरिज्म को आप डुबा दिया सर, यहाँ पर पैसेंजर्स को बोलता हूँ टाइम देखे सुन लो, टाइम देखे सुन, 5-6 लोग आएगा, कौन देखा बोला था कल मैंने, अरे कल भी मैंने बोला था, लेकिन बोल रहे थे हम सारे के सारे 100 के 100 आदमी आएंगे, 10 लोगों के लिए बोला था मैंने, नहीं आए आप भी चलिए सर हमारे साथ, हम लोग 5 जन जाएगा, कम से कम जाना है, 10 लोग आपसे मिल रहे, अभी थोड़ी विश्वकर्मा पूजा है, अब 10:30 बजे का सर, 10:30 बजे, ओके सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।